नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम चलेंगे सज्जनगढ़। काफ़ी अच्छा स्थान है और काफ़ी पहाड़ी पर भी बना हुआ है ये सज्जनगढ़। और दोस्तों इसी किले को उदयपुर का किला भी कहा जाता है और मानसून का किला भी इसका नाम है। काफ़ी अच्छा किला बना हुआ है और स्पेशली काफ़ी टूरिस्ट इस किले को देखने के लिए आते हैं। काफ़ी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है ये, जो अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल पहाड़ों पहाड़ ही चढ़ रहे हैं, यूँ ही समझ लीजिए। ये पहाड़ को काट के ही ये पूरा रोड बनाया गया है। देखिए काफ़ी टूरिस्ट अपने व्हीकल से और पैदल काफ़ी जा रहे हैं और ये चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यह किला जो है उदयपुर से थोड़ा बाहर की तरफ बना हुआ है, फतह सागर से रास्ता जाता है। दोस्तों सज्जनगढ़ के ऊपर पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा ये ऊपर है और चढ़ना पड़ेगा इसमें। दोस्तों सज्जनगढ़ के ऊपर पहुंच चुके हैं, अभी ऊपर ही खड़ा हूँ। थोड़ा सा ये जो पीछे मैं बताता हूँ, एक मिनट, ये जो पीछे देख रहे हो, ये जो पीछे देख रहे हो ये सज्जनगढ़ है। चलते हैं अंदर, महल के अंदर देखते हैं। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ऊंचाई पे भी बना हुआ है ये। दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण 1884 ईस्वी में करवाया था और ये किले का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये समुद्र तल से करीब 3100 फीट की ऊंचाई पर बंसदरा पर्वत के ऊपर स्थित है। काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं और अभी मरम्मत का काम भी चल रहा है इसके अंदर। देख सकते हो जैसे आप वीडियो में नज़र आ रहा है, मरम्मत का काम चल रहा है इसका। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और भी। यहाँ पे दोस्तों पूरा तस्वीर के अनुसार इसका मॉडल बना रखा है तस्वीर के अंदर, और यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कि किले का निर्माण किसने करवाया और सारा कुछ। और अंदर देखिए आप, ये सज्जन सिंह जी का स्टेचू बना रखा है, चारों तरफ कांच से पैक है। काफ़ी सुंदर स्टेचू बना रखा है वाइट संगमरमर के पत्थर से, और ये दीवारों पर तस्वीरों पर मतलब सभी तरह की जो यहाँ पे जो जंगलों के अंदर जो चिड़ियाँ और जो पशु पक्षी पाए जाते हैं उन सारे तस्वीरों के यहाँ पे बताया गया है कि इस जंगल में किस प्रकार के जंगली जानवर और पशु और पक्षी जो रहते हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पे, वो सारा इसमें दर्शाया गया है और मूर्तियों के रूप में भी दर्शाया गया है। ये देखिए जैसे काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ पर बताया गया है। काफ़ी पर्यटक इस महल को देखने के लिए देश विदेश बाहर से काफ़ी जगह से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर पूरा ये महल देखते हैं और काफ़ी इन्जॉय भी करते हैं। देखिए दोस्तों काफ़ी यहाँ पे जो पशु हैं पक्षी हैं सभी का यहाँ पे जो इस अभयारण्य के अंदर जो पाए जाते हैं वो सारा कुछ बता रखा है। ये जो किला बना हुआ है ये अरावली रेंज के अंदर बना हुआ है, काफ़ी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जैसा मैं बता रहा था 3100 फिट ऊपर की तरफ बना हुआ है ये किला। और यहाँ पे मतलब पे ये सामने देख रहे हो टेलीविज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा राजस्थान का कल्चर बताया जाता है काफ़ी सुंदर तरीके से।
तो यहाँ पे पूरा बताया गया है कि महाराणा सज्जन सिंह ने 1884 में इस महल सज्जनगढ़ का निर्माण स्टार्ट कराया था। तो उन्होंने पूरा नहीं कर पाए, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो अधूरा रहा था तो इधर पीछे जो है फतेह सिंह जी, इन्होंने पूरा निर्माण करवा दिया था फिर बाद में। यहाँ पे मतलब ये जो सेंचुरी है, पूरा जंगल जो है उसके बारे में पूरा बताया गया है और दिखाया भी है, जैसे ये किस प्रकार से तेंदुआ जो है बंदर को पकड़ के रखा है मुंह में। ये देखिए दोस्तों, बाहर से जो है सज्जनगढ़ का कितना सुंदर तरीके से नज़र आ रहा है, पूरा वाइट संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है ये, और कुछ तरफ मरम्मत का काम भी चल रहा है। काफ़ी पर्यटक इस किले के सामने खड़े होकर काफ़ी फोटोग्राफ्स लेते हैं, काफ़ी वीडियो भी बनाते हैं, और काफ़ी अच्छा भी है, काफ़ी अच्छा स्थान है। काफ़ी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, काफ़ी सुंदर तरीके से दिख रहा है। और ये जो पूरी नीचे जो है अरावली श्रृंखला के बीच में बना हुआ है, और काफ़ी छोटे छोटे गाँव बसे हुए हैं, और उदयपुर शहर भी इधर से नज़र आता है। चलिए दोस्तों ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर से भी काफ़ी सुंदर दृश्य नज़र आएगा कि बिल्कुल गोलाई में सीढ़ियाँ बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। काफ़ी अच्छा ऊपर भी महल बना रखा है, ये देखिए आप, काफ़ी सुंदर राजस्थानी दृश्य दिखा रखा है। और यहाँ पे जो ट्रिबल विलेज यानी कि आदिवासी गांव जो होते थे, वो किस प्रकार से होते थे, जो जंगलों में छोटे छोटे गांव होते हैं राजस्थान के अंदर काफ़ी होते हैं, तो ये देखिए आप, यहाँ पे जो ये दिखा रखा है मॉडल के रूप में कि जंगलों के अंदर किस प्रकार से मकान होते थे, किस प्रकार से लोग रहते थे, सारा कुछ इस मॉडल में दर्शा रखा है। काफ़ी सुंदर तरीके से ये मॉडल बना रखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ से पूरा उदयपुर शहर नज़र आता है, और जो उदयपुर की जो झील है वो भी यहाँ से साफ नज़र आती है।
काफ़ी बड़ा उदयपुर शहर है और काफ़ी सुंदर है। राजस्थान का सबसे सुंदर शहर अगर कहूँ मैं तो उदयपुर शहर है। और काफ़ी पर्यटक देखिए यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और अच्छा सा ये गार्डन भी बना रखा है, मनोरंजन करते हैं यहाँ के, बैठते हैं और काफ़ी उदयपुर के नज़ारा लेते हैं और पूरी सिटी के साथ अपना फोटो लेते हैं। काफ़ी सुंदर दृश्य लग रहा है उदयपुर से। ऊपर जिसे मौसम का महल भी कहा जाता है। चलिए वापस चलते हैं दोस्तों, सज्जनगढ़ देख लिया हमने, वापस से चलते हैं। देखिए दोस्तों पूरा पहाड़ी से उतरना होता है और पूरा रोड अच्छा बना रखा है वैसे। और जंगलों के अंदर ये काफ़ी जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, जैसा ऊपर किले के अंदर भी दर्शा रखा था। ये देखिए दोस्तों सामने जो नज़र आ रही है वो हिरन नज़र आ रही है, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ये देखिए आप कि जो इस पेड़ के बीच में खड़ी है हिरन नज़र आ रही है, काफ़ी सुंदर है। दोस्तों पूरा सज्जनगढ़ देखा, काफ़ी खूबसूरत है। कुछ काम हो भी रहे हैं, मरम्मत के काम चल रहा है कुछ, और काफ़ी ऊंचाई पर भी बना हुआ है जैसा आपने वीडियो में देखा था। तो दोस्तों यहाँ पे जो उदयपुर के अंदर जो सारी जगह हैं वहाँ पे देखेंगे हम अलग अलग जगह पे, पूरा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे टूरिस्ट प्लेस कवर करेंगे अपने इस चैनल पर। तो पूरा आपने जैसे भी, जैसे अभी मैं जाऊँगा महाराणा प्रताप का गौरव स्थल है यहीं पे बना हुआ है पास में, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो महाराणा प्रताप का गौरव स्थल पूरा दिखाया जाएगा। उसमें पूरा महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में पूरा वहाँ पे दर्शाया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग प्लेस के साथ। थैंक यू दोस्तों।